बहनोई ने किया अपने ही साले का बड़ी ही बेदर्दाना तरीके से कत्ल। फलकनुमा पुलिस ने आरिफ मर्डर केस को हल करते हुए इस कत्ल केस से जुड़े चार कातिलों को भी कर लिया गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक बतारीख 13 नवंबर को फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत 32 साल नौजवान मोहम्मद आरिफ की बड़ी ही बेरहमाना कत्ल की वारदात पेश आई थी, जो कि पेशे से खानगी मुलाजिम था। उस पर चार लोगों ने तेज धार हथियारों से कातिलाना हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने शदीद जख्मी हालत में आरिफ को दवाखाना मुंतकिल कर दिया था, जहां पर वो दौरान इलाज इंतकाल कर गए। पुलिस ने इस कत्ल केस को हल करते हुए चार कातिलों को भी कर लिया गिरफ्तार, जिनके नाम मोहम्मद समी मोहियुद्दीन 32 साल जो कि हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत होमगार्ड थे, मोहम्मद अमजद मोहियुद्दीन 25 साल, मोहम्मद अली 21 साल और आमिर मोहम्मद खान उम्र 26 साल को गिरफ्तार कर लिया। मुतफी मोहम्मद आरिफ समी मोहियुद्दीन के साले थे। मोहम्मद आरिफ एक लड़की से मोहब्बत किया करते थे और वो इस लड़की से शादी करने का इरादा भी रख रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लड़की की तबीयत नासाज चल रही थी। लड़की को किसी बाबा ने बताया था कि उस पर किसी ने काला जादू किया है। लड़की और आरिफ को शक था कि समी उस पर ये काला जादू करवा रहा है। इसी जमन में मकतूल आरिफ हर बार समी के घर पर जाकर उससे लड़ाई झगड़े किया कर रहे थे और उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया कर रहे थे, जिस पर समी ने अपने भाई और दीगर दो दोस्तों के साथ मिलकर मोहम्मद आरिफ को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और तमाम कातिलों ने मंसूबाबंद तरीके से 13 नवंबर की रात आरिफ के घर पर पहुंचकर उन पर कातिलाना हमला करते हुए बड़ी ही बेदर्दी से उसका कत्ल भी कर दिया था। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात साउथ जोन DCP गजाराव भोपाल IPS की जबानी। पेश है AS न्यूज नेटवर्क के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सैटरडे नाइट को मोहम्मद आरिफ नाम के एक बंदे का कत्ल किया गया फलकनामा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। इसमें चार लोगों को गिरफ्तार किए, इसमें A1 है समी मोहियुद्दीन जो हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के होमगार्ड है, और A2 उसका भाई अमजाद मोहियुद्दीन और उनके दोस्तों मोहम्मद अली आमिर मोहम्मद खान, चारों को गिरफ्तार किए। इसमें इसके पीछे ये है कि ये मोहम्मद आरिफ जो है वो एक लड़की से शादी करने का इरादा था, जनवरी में करने वाले थे दोनों, लेकिन पिछले 2-3 महीने से उनका वो लड़की का तबीयत ठीक नहीं था, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है उनके रिसेंटली आ गए। तो लड़की एक बाबा बॉम्बे में रहने वाले एक बाबा के पास गए और बाबा बोले कि इस पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था, और इसको शक लग गया कि ये समी जो उसका समी का ये साला है, ये उसका आरिफ का सिस्टर, आरिफ का जीजा, आरिफ का जीजा समी, उसका इस पर इल्ज़ाम लगाया कि समी ये सब ये ब्लैक मैजिक जो है ये करवा रहा है। वो बहुत बार उसके घर में जाके बहुत उसको तंग किया और उसको इसलिए उसको थोड़ा पैसा भी दिया समी उसको चुप रहने के लिए, लेकिन फिर भी वो रोज़ आके उसको तंग कर रहा था। और उस सैटरडे रात को अपने भाई और उनको भाई के दो दोस्तों उनसे पैसे दे के बोला कि उसको ख़त्म करने का, और उसी दिन रात 11 बजे के आसपास उसके घर में जाके उस पर अटैक किए। उसके हॉस्पिटल लेने आने के बाद हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई। और समी मोहिद्दीन जो होमगार्ड है हुसैनी आलम PS के, उसको सर्विस से भी डिसमिस कर दिया जाएगा उस पर रिपोर्ट लगा के, और चारों को अभी गिरफ्तार किया। सर पब्लिक की सेफ्टी करने वाले ही अगर ऐसा प्लानिंग करें तो पब्लिक कैसा सेफ रहेगी? उस पर एक्शन लेंगे, उसको सर्विस से डिसमिस भी करेंगे। सर इसके कारण सर जो लड़ा कर रहे हैं आप लोग, मगर फिर भी जो है सो खत्म कर दे रही, इसका कुछ कर हम कर रहे हैं, पूरे प्रयास कर रहे हैं, जो कुछ भी करना है कर रहे हैं।